हेलो स्टूडेंट। हेलो सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड वेरी। देव पटेल न्यू स्टूडेंट है क्या? यस सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। आज तक कहाँ था बेटा? सर एडमिशन लेट हुआ। और कौन है भाई देव पटेल के अलावा न्यू स्टूडेंट? और कौन है देव पटेल के अलावा न्यू स्टूडेंट? कन्वी समझ में आ रहा है क्या कुछ जो आजकल पढ़ा रहा हूं? यस सर। बच्चों देव पटेल, कल मंडे से शायद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मंडे और ट्यूसडे से। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ ओके। तो फिर आपको और भी आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये चैप्टर का लास्ट चल रहा है, किसी चीज का लास्ट चलना मतलब समझ सकता है ना, बहुत अपने मेन और जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सबसे अपने जो है मेन पॉइंट पे होगा, सबसे हाई हाइट पे होगा। जो भी है थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, प्रीवियस जो लेक्चर आप लोगों को दिए गए हैं उस पे कोशिश करिए आप बढ़िया से उसको पढ़ें। ठीक है बेटा? प्रीवियस लेक्चर रिपीट करिएगा। ओके ओके। चलिए चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज अपने टॉपिक को। आइए देखते हैं, बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग आज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग बहुत स्लोली स्लोली इसको पढ़ाएंगे, बहुत कम, ज्यादा मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, आराम आराम से आपको पढ़ना है। क्योंकि ये चैप्टर मैंने जैसा कि आपको बताया है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉजिक ज्यादा से ज्यादा लगता है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना। तो सर आइए, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? एक्चुअली बेसिकली अगर आप अपनी बुकलेट में देखोगे तो इस चैप्टर में थ्योरी कम है। एक्चुअली पूरा ये जो चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही सब कुछ है। मजा तो तब आता है जब थोड़ा थ्योरी भी हो, थोड़ा स्टोरी भी हो और तब थोड़ा न्यूमेरिकल भी हो, तो कहानी सुनने में तब मजा आता है बच्चों। लेकिन समय ऐसा है कि समय के साथ चलना पड़ता है, चैप्टर जैसा है वो उसमें करना। आइए जानते हैं सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सपोज मैंने, आइए लेट अस कंसीडर आइए बच्चों हम लोग कंसीडर करते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, कान खोल के सुनो, आंख बिल्कुल देखिए, आंख नाक कान जो भी आप लोगों के पास है बच्चों, दिमाग जो भी माइंड है सबको खोल के सुनो। आप देख रहे हैं ए और बी आपका रिएक्टेंट है, सी आपका प्रोडक्ट है। तो ए का भी वन मोल है और बी का भी वन मोल है। जब वन मोल ए का वन इज टू वन, वन मोल, मोल रेशियो क्या है, वन इज टू वन, जब आपस में रिएक्शन करेगा तभी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। समझ में आ रही बात क्या? अरे समझ में आई? यस सर। यस सर। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत शुरुआत से बता रहा हूँ। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा ए प्लस टू बी
इज इक्वल टू मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं इसका तो वन मोल है, इसका टू मोल है, आपस में जब रिएक्शन करेगा तो सी बन रहा है। तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है सर, ये 1:2 के रेशियो से आपको प्रोडक्ट बनने को कह रहा है। अब सपोज एक रिएक्शन ए है और प्लस टू बी है और ये सी है, और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है 1:2 का रेशियो पे बन रहा है। अब आपको क्या बोलेगा कि 5 मोल ए से 5 मोल ए ले लो और 20 मोल बी ले लो तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना, तो प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारे पास तो ये प्रोडक्ट तो एक ही तरीके से बन सकता है, 1:2 के रेशियो से ही बनेगा। अब आपके पास ये 5 मोल है और ये 20 मोल है, तो क्या पूरा का पूरा 20 मोल इससे रिएक्शन कर लेगा क्या ए के साथ? नहीं सर, 10 मोल है। ध्यान से सुनो बालको, क्या पूरा का पूरा 20 मोल इसके साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना सर। हम ओनली इसका तो 1:2 का ही रेशियो यहाँ पे काम करेगा। सर आप लोग जानते हैं जब 1 मोल ए का और 2 मोल बी का यूज हो रहा है, तो अगर 5 मोल अगर बच्चों आपका ए का चालू होगा तो 10 मोल ही बी का क्या होगा, 10 मोल ही बी का रिएक्शन करेगा, बाकी रिएक्शन में कितना बच जाएगा? 10 मोल बच जाएगा बी का, रिएक्शन में लेफ्ट रह जाएगा। अब सुनो 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 सुनो, कान खोल के सुनो सर, एक बात बताओ, ए का जो पूरा अमाउंट है, अमाउंट ए का कम है ना, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? होगा सर, होगा ना, क्योंकि सर जिसका अमाउंट कम है वही तो बेसिकली प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में काम कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने में बेसिकली कौन काम कर रहा है, जिसका अमाउंट कम है। नहीं आए समझ में? नो सर। बच्चों मैं कह रहा हूं ए का अमाउंट कम है ना, तो ए का पूरा अमाउंट रिएक्शन करेगा बी के अमाउंट से, करेगा ना, ए क्योंकि 5 मोल दिया हुआ है बी के पूरे अमाउंट के साथ, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ए का पूरा अमाउंट बी के अमाउंट से रिएक्शन करेगा। तो ए का कम अमाउंट है तो ए जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ए पहले देखो, मैंने 5 मोल ए दिया हुआ है आपको, 5 मोल ए दिया हुआ है, पहले तो ए का 1 मोल खत्म होगा, फिर 2 मोल खत्म होगा, फिर 3 मोल खत्म होगा, फिर 4 मोल होगा, फिर 5 मोल हो जाएगा। 5 मोल होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका 5 मोल तो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका तो 20 मोल है ना, बी का 20 मोल है, तो रिएक्शन में तो बी वाला अमाउंट काफी ज्यादा बचा रहेगा। हां सर, 15 मोल बचा रहेगा। यस, बचा रहेगा ना, बी तो बचा रहेगा बहुत ज्यादा। तो जिसका अमाउंट कम है, ध्यान से सुनो कान खोल के बच्चों, जिसका अमाउंट कम है ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो बस सी भी अब नहीं बनेगा। ये अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो सी बनेगा क्या फिर? नो सर, नहीं बनेगा। सी के बनने के लिए बच्चों, सी के बनने के लिए बी के साथ साथ ए का अमाउंट भी तो होना जरूरी है, नहीं है क्या? है सर। सर अगर ए जल्दी खत्म हो जाएगा तो सी भी रुक जाएगा। तो आप देख रहे हैं ए का अमाउंट क्या है, ए का अमाउंट जिसका अमाउंट कम है ये लिमिटेड अमाउंट है या नहीं है? Yes. बेसिकली yes. जिसका अमाउंट कम होता है उस तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार तो 1:1 का होना कंपलसरी है सर, इसलिए सी प्रोडक्ट बनेगा 1:1 होगा। 1:1 में जो है लिमिटिंग रिएजेंट काम नहीं करेगा, समझ रहा है बेटा? 1:1 में तो बराबर इक्वल अमाउंट है ना। एक बार और समझाता हूँ इस कहानी को, स्टोरी को दोबारा और समझाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलो इसको मिटा रहा हूँ, मैं मिटाऊ इसको पूरा। यस सर। देखो भैया, ए प्लस बच्चों क्या लिखा मैंने, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या लिखा था सर? आप देख रहे हैं एक मोल इसका होना चाहिए, दो मोल इसका होना चाहिए, तभी आपको सी मिलेगा, नहीं तो सी नहीं मिलेगा, है ना।
एक मोल। अब मैंने आपको क्या दे दिया कि भाई मैंने आपको बोला कि 5 मोल ए दे देता हूं और 20 मोल क्या दे देता हूं, बी दे देता हूं। तो 20 मोल बी के अब आपको बोले सी बनाओ, तो भाई ए के साथ अगर 1 मोल ए का है तो इसके साथ कितना मोल चाहिए, ओनली 2 ही मोल चाहिए ना सी बनाने के लिए। अगर 1 मोल आपने ए का लिया हुआ है तो इसके साथ कितना मोल चाहिए बी का, 2 ही मोल चाहिए ना, उससे ज्यादा थोड़ा ना चाहिए बी बना सी बनाने के लिए, चाहिए क्या? नहीं। तो सर अगर 5 मोल अगर आपका ए है तो पूरा का पूरा क्या 20 मोल यूज हो जाएगा क्या? नो सर यहाँ पे पूरा का पूरा 20 मोल यूज नहीं होगा, क्योंकि सर हमें तो ओनली 5 का दुगना ही हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। तो बेसिकली ए का अमाउंट कम है तो इसलिए मुझे ये कम लेना पड़ा है ना, ए का अमाउंट कम है तभी तो मुझे ये कम लेना, ए का अमाउंट ज्यादा होता तो मुझे ज्यादा लेना पड़ता। तो फाइनली अगर आप बोलेंगे सर सी का बनना इन दोनों में से ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, ए पे, सबको पता है ना, सबको पता है ना, यस यस, तू समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ऋतु? यस सर। तो सर आपको ये कह रहे हैं बच्चों बेसिकली ए पे ही डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे सर ए का जो अमाउंट है वो लिमिटेड अमाउंट है या नहीं है, तो यही रीजन है गाइस ए को आप लोग क्या नाम बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। यही रीजन है स्टूडेंट ए को इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोला जाता है। ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन में, होगा नहीं होगा, ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या डेफिनेशन है, the part of reactant, which is completely consumed in chemical reaction, जो chemical reaction में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना जो, क्यों, सही कह रहा हूं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LR। अब जो अब कुछ अमाउंट मैंने कहा, देखो भाई बी का अमाउंट क्या होगा, सॉल्यूशन में लेफ्ट रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा the part of reactant left in solution is called, उसको क्या बोला जाता है, is called excess reagent, उसको बोलते हैं excess reagent, या इसको short में क्या बोलेंगे सर, ER के नाम से जाना। सर ये काफी सेक्शन करो, ये excess वाला मैंने कहा, देखो बी का अमाउंट यहाँ पे आपके पास कुछ बचा हुआ रहेगा नहीं रहेगा, बताओ, रहेगा ना बेटा? सर जब बचा हुआ रहेगा तो वो फालतू बचा हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। आइए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आइए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी को कुछ समझना है तो बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर, एग्जांपल से समझो। ओके बच्चे, बिल्कुल कान खोल के सुनिए हैं, ये काफी आगे तक बढ़ेगा और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार जो है ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, अगर अगल बगल कोई शोर कर रहा है तो बिल्कुल जो है आप शांत जगह पे चले जाएं, समझ रहे हैं ना, अपने घर के टेरेस पे चले जाएं आप।
ओके बाल को इधर देखो, सपोज मैंने आपको बोला कि आपको मैंने कहा सर 2a प्लस 4b इज इक्वल टू c, तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे दो मोल इसका होगा चार मोल इसका, 2:4 का ही रेशियो यहाँ पे काम करेगा, समझ में आई बात क्या? अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ आप इसका 3 मोल आपको दे दिया जाता है और बोलते हैं इसके 10 मोल के साथ आप जो है इसको क्या कराइए रिएक्शन कराइए, या मैं इसको 40 मोल के साथ करवा देता हूँ, ठीक है ना? तो आप क्या पूरा का पूरा 40 मोल यहाँ पे यूज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अमाउंट ऑफ आप देख रहे हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ ए इज लिमिटेड, ए इज क्या है लिमिटेड है ना, ए का अमाउंट क्या है लिमिटेड है, सो कंपाउंड ए एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, बात समझ में आ रही क्या? लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ना बच्चों, टोटली डिपेंड्स ऑन, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, जो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो ए का अमाउंट यहाँ पे बिल्कुल कितना होगा वो फिक्स रहेगा। सर अब आप बोलेंगे सर लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो एक नॉर्मल हो गया ना, लेकिन अब मेन बात है हाउ टू कैलकुलेट, कैसे आपको जानना है, ये तो मैं आपको कम ज्यादा दिखा रहा हूँ लेकिन कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होता आप ऐसी नॉर्मली नहीं निकालोगे। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग, कैसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट को जानना, तो लिमिटिंग रिएजेंट को जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, जो इसके आगे दो है या नहीं है, ये दो है ये चार है, है या नहीं है? चलो अब हम इस इक्वेशन को है अभी, अब मैं आपको मेथड से सिखाता हूँ बच्चों कैसे हम लोग जो है इस इक्वेशन में, अब चेक करते हैं कि सर कौन सा वाला जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइए इसमें चेक करते हैं, गिवन मोल कितना है इसमें 3 है डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5, और ये कितना है सर 40 है डिवाइडेड बाय 10, तो बच्चों इसका अमाउंट कम है ना, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान में रख लेना, और ये वाला आपका क्या है एक्सेस रिएजेंट। अभी मैंने आपको कौन कितना लेगा कितना बनेगा वो नहीं सिखाया है, कान खोल के सुन रहे हो ना, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो भाई? यस सर। सो गए क्या? यस सर। कोई सोया तो नहीं है तुम लोगों में से? सर जग रहे हैं सब। देवांशी पटेल सोया तो नहीं है? नो सर। कशिश यस। तो सुनो बच्चों, अच्छा इतना आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई? हाँ यस सर। आया सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। अब हम लोग, अब आप निकाल लोगे ना बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, चेक कर लोगे ना कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूले एल आर यहाँ से चेक करोगे आप एल आर, ठीक है बेटा? एस जी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो इसके आगे ए के आगे 2 लगा है, बी के आगे 4 लगा है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एस सी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बच्चों इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े रे बच्चों बोलो। यस सर। बालको एक बात बताइए आप लोग मुझे, सपोज आपको मैं, सपोज हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, a प्लस 3b इज इक्वल टू
4C. अब मैं आपसे कहता हूं इन अबव रिएक्शन पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो टाइम वैसे ही निकल जाता, क्या पढ़ाऊंगा। सपोज आपको ये आपका 2 मोल दिया हुआ है और ये आपको 10 मोल दिया हुआ है, ये आपका 2 मोल है, ये आपका 10 मोल है। बच्चों वेदांत बंद कर इसको, वेदांत वीडियो बंद कर। तो आपको पहला बोलेगा कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोलेगा कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट, तीसरा आपको बोलेगा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितने अमाउंट है। तो पहले तो आप लिमिटिंग पहचान लो। सर ये 1:3 का रेशियो आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री कितना आ रहा है 1:3 का। तो बच्चों ये अलग से निकालना है, ए का स्टोइकियो ए के लिए निकालो, देखो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। बी के लिए क्या हो जाएगा भाई 10/3, ये हम लिमिटिंग रिएजेंट पता कर रहे हैं अलग से, कर रहे हैं क्या 3.33। रुक जा बेटा, रुक जा बालक। यस सर। तो देखो कौन सी वैल्यू कम आई है, ए वाली। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला ए के लिए हम कैसे निकालेंगे, वही मोल्स अपॉन एस सी, तो कितना आ रहा है 2/1, थोड़ा लिखना भी पड़ेगा ना। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3। तो आप बोलेंगे सर a इज द lr, दिस इज द lr, ठीक है ना। और b आपका क्या हो जाएगा er 3.3। हां तो यहां पे अब देखो, ठीक है सर मुझे। हां जी सर, यहां पे हमें पता है कि वो जो a है 2 मोल है और जो 3b है उसका 10 मोल है, तो सर हमें पहले से ही पता है कि a का कम है, तो सर फिर वो ऐसे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। नहीं, वो चलो कभी-कभी क्या होता है, परमात्मा की दया जो कृपा आप पे होगी तो आपका सही हो जाएगा। कभी अगर क्वेश्चन इधर-उधर घूम-घाम के आ गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर ने ऐसा ही पढ़ाया। नहीं सर बराबर है, है ना, वो तो कभी कभी हो गया, कृपा होगी तो आपका हो जाएगा वो सही, लेकिन अभी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाएगा तो फिर वो फिर आप बोलेंगे ऐसा ही, वो फिर गड़बड़ होगा तो फिर आप बोलेंगे ऐसा ही तो बताया था उस टाइम पे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा तो ए प्लस बी हो जाएगा ना सर। रुक जा बेटा एक मिनट है, आप देख पहले, सुन इधर देखो, ए प्लस 3b इक्वल टू आपने क्या बोला सर 2c। अब देखो बच्चों, जब इसका 2 मोल है और इसका 10 मोल आपने लिया हुआ है, 1:3 का रेशियो है, तो 2 मोल ए को आप बता रहे हैं, 1 मोल अगर ए है तो इसको कितने मोल चाहिए बी के, 3 ही मोल चाहिए, है ना। 2 मोल ए को कितने चाहिए होंगे इसके, 8 6, है ना, 8 8। तो देखो क्या करेंगे, देखिए 6 6, देखो ऐसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। आपने कहा कि सर 1 मोल को आपने क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 मोल को क्या हो जाएगा 2/3 मोल्स ऑफ बी इक्वल टू कितना आया रे बाल को 6 मोल्स ऑफ बी। तो बी के ओनली कितने मोल कंज्यूम्ड होंगे 6 मोल। अमाउंट ऑफ बी कितना कंज्यूम्ड होगा, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड कितना होगा बोलो 6 मोल, है ना। तो अमाउंट ऑफ बी कितना लेफ्ट रहेगा, अमाउंट ऑफ बी कितना लेफ्ट, ये भी पूछता है, हाँ लेफ्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना बचेगा 4, 10 में से 6 को कम करेंगे सर तो कितना मोल बन जाएगा 4 मोल बचेगा, ठीक है ना। अब सुनो भाई, ये तो आपने खाली जो है यूनिटरी मेथड से कर दिया ना, खाली 1 से 4 मिल रहा है तो 1 से 4 मिल रहा है तो 2 से जो है आप ऐसे बोलेंगे ना 8 मिल जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे ना, 3 से आप बोलेंगे 2, ये तो आपने यूनिटरी मेथड लगा दिया। सर इसको कैसे करें, तो मैं ऐसे लिखता हूँ बेसिकली, अगर इसको एक जिसको बोलते हैं तरीका, तो ऐसे लिखा जाता है,
अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, बी का अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो देखो यहां से ये देखो सर, यहाँ पे एक मिनट है, बी का अमाउंट, तो बी का अमाउंट देखो बच्चों यहां से हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ये इंटू ये मोल से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये वन मोल है और ये थ्री मोल है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई वन, थ्री टू जस्ट सिक्स मोल, क्योंकि ए मोल का थ्री टाइम होना चाहिए ना, तो ए मोल का थ्री टाइम आपका ये निकलेगा है ना, ए मोल का थ्री टाइम यही तो होगा, तो इसलिए ये आपका एक मेथड। आपने ये वाला कहाँ सीखा था, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में, यस यस सिखाया था ना। हाँ, तो ये एक तरीका है एक्चुअल में, ये तो आपका यूनिटरी मेथड आपका सीधे निकल गया ना, अगर आगे उल्टा सीधा आ गया क्वेश्चन तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आप ये क्वेश्चन अब देखो, ठीक है सर यहाँ तक निकाल दिया, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, सर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बन रहा है, देखो मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, सर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों बताओ तुम। देखो एक मोल तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट का ही है, तो वन मोल ऑफ ए, एक मोल ए से कितना मोल बन रहा है सी का, फोर मोल ऑफ सी बन रहा है, तो टू मोल ए से कितना बनेगा रे, एट मोल। समझ में आया नहीं आया या मजाक चल रहा है बेटा ये आप लोगों को, बोलो सर। आया सर समझ, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सर, ये वापिस कराओ नहीं ये अमाउंट प्रोड्यूस वाला सीन। अरे देखो ना, एक मोल से, एक मोल से देख, चार मोल बन रहा है क्या, यस एक मोल से चार मोल बन रहा है, तो दो मोल से कितना बनेगा, एट मोल ही तो बनेगा, नहीं समझा, नहीं सर। अरे भाई एक मोल, एक कितना मोल सी बना, दो मोल क्यों लिया, क्योंकि दो मोल दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में सर, मतलब हमें लिमिटिंग का ही लेना है मोल, हमारे से तो दो मोल से बन रहा है ना बेसिकली सी, तो दो मोल से उसका दुगना नहीं बनेगा, फोर एट मोल, नहीं समझे, लिमिटिंग एजेंट का ही लेना है सर, लिमिटिंग अरे लिमिटिंग ही तो बना रहा है, मेन कौन है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट बनाने में, लिमिटिंग है ना। हाँ हाँ यस सर, तो इसलिए वही तो लिखा। हाँ सर पता चलिए, मिटाऊं इसको, एक नया क्वेश्चन और करूं, यस सर। ध्रुवांशी आ रहा है बेटा कुछ समझ में आपको, यस सर आ रहा है। ओके देखिए सपोज एक क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों आप देख रहे हैं यहां पे इसके दो मोल हैं, आप देख रहे हैं इसी क्वेश्चन में दो मोल ए के हैं, तीन मोल बी के हैं, तो वो क्या बना रहा है, एक मोल ए टू बी थ्री बना रहा है। अब आपको बोलेगा कि सर फाइव मोल इसके ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद मैंने कहा फाइव मोल, टाइम जीरो पे तो ये इतना था शुरुआत में जब कोई समय नहीं हुआ था इतना था, अब कुछ समय होने के बाद मैंने फाइव मोल ये ले लिया और ट्वेंटी मोल ये ले लिया है ना, और अब ये भी कितना बनेगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, सॉल्यूशन में कितना बचेगा वो हम निकालते हैं। तो आइए बच्चों सर, लिमिटिंग और एक्सेस जो बनी है सर, रुको बेटा पहले मुझे तो निकालने दो, देखो बच्चों पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, ए के रिस्पेक्ट सर मोल्स, मोल्स ये है ना, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फाइव ये वाला मोल लेना है जो गिवन है आपको, फाइव अपॉन टू
तो ये कितना आ रहा सर? सर तो उसके ऊपर वाला क्या है सर? ये भी तो वही मोल है, ये तो वही है यार, ये तो आपको स्टोइकोमेट्रिक मोल है, ये मेन मोल है ना जो इक्वेशन में दिया हुआ है आपको, जिससे सॉल्व करना है। हाँ सर, ओके ओके। बी के लिए कितना होगा? 20/3, तो कितना आ रहा है? 6.6, इतना कुछ आ रहा है। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ER हो जाएगा। ओके, अब सुनो इधर सर, वही दिया हुआ है 2A+3B = A2B3। ये दो मोल आपका दिया था, ये तीन मोल दिया था, ये वन है तो 5 मोल है ये, और ये सर 20 मोल है। तो मैं अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ बी 5 × 3/2। रुक जा बेटा, बी का अमाउंट कितना कंज्यूम्ड हो रहा है? 5 × 3/2 है ना, तो कितना हुआ? 15/7.5। अब एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड से इसको निकालना टफ था ना? यूनिटरी से भी ऐसे निकाल सकते थे, यूनिटरी से भी ऐसे निकाल सकते। दो मोल ए के ले रहे हैं, दो मोल ए से 3 मोल बी हमें चाहिए, तो 5 मोल ठीक है ना, तो मैं 1 मोल से कितना बोलता? 3/2 मोल बी बोल देता, और 5 मोल से कितना बोलता? 3/2 × पर सर ये इजी है ना, पर सर आपने जो करवाए वो, हाँ बोला यूनिटरी वाला ये ऐसा हो जाता, तो ये मैं एक नहीं सर करने की जरूरत है, नीचे वाला आपको आता है ठीक है ना। कितना मोल हुआ? 7.5 मोल यूज हो गया। तो देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट कितना, अमाउंट ऑफ बी कितना लेफ्ट बचा हुआ है बोलो रे? 20 - 7.5 हुआ 12.5 मोल। बिल्कुल सही। तो सर ये कितना बनेगा प्रोडक्ट? शायद तक से 30। प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ, सब बच्चे बताओ। चलो 30 या 25 सर, 2 मोल ए से तो इतना ही बन रहा है ना, तो यस सर, तो 1 मोल ए कितने से बनेगा? 1/2 × कितना अमाउंट हो रहा है? 1/2 से हो जाएगा 1 मोल, तो 0.5। एक मिनट है, जो एक्चुअली क्या हो जाएगा कि सर ये 5 होगा ना सर, जो आपका 5 मोल है ना, 5 मोल से का जस्ट आधा ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? यस 2.5। 5 मोल से आपका किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है तो बोलो। सर हम्म, तो सर इधर हमको दिया है कि A2 और B3, तो ऐसे मतलब कोई भी नंबर दिया तो हमें काउंट नहीं करने का, आगे का जो कोफिशिएंट है वही इंक्लूड होगा ना? समझा नहीं मैं। सर इधर हमको दिया है कि 2 मोल A और 3 मोल B से A2 B3 बनता है, तो A2 और B3 है, तो उसमें 2 और 3 कुछ मतलब वैल्यू नहीं रखता ना, हमें सिर्फ आगे का कोफिशिएंट ही देखना है ना। वो तो ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, आगे वाला मेन होता है जो कोफिशिएंट। हाँ सही कह रही हो आप, मिटा दो। एक क्वेश्चन आप करोगे? यस। चलो बच्चों, सब लोग करे हैं, जल्दबाजी का मैं कोई नहीं करेगा, आराम से कर। तो मैं कुछ समय बाद मैं इसके 3 मोल लेता हूं और इसके 30 मोल लेता हूं,
ठीक है ना। और आपको बोलता हूँ, पहला आपको बोलता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, दूसरा बोलता हूँ लेफ्ट अमाउंट कितना बचे, कौन सा बचेगा सॉल्यूशन में, तीसरा आपको निकालना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के क्या मोल्स बने। इसको करो आराम से, ठीक है ना, मैं दो मिनट में आ रहा हूं। सर वो क्वेश्चन में N2 plus 3K 4 लिखा है, 3H2 equal to 2NH3। ओके सर, करो है, मैं आ रहा हूं।
ओके ओके बच्चों, कर दिया होगा शायद आप लोगों ने, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सर आंसर भेज दिए चैट बॉक्स में। ओके ओके हाँ हाँ बच्चों देखिए सर, ये एन टू प्लस थ्री एच टू इजिकल टू आपका क्या है, टू एन एस। टाइम जीरो था तो वन टू थ्री का रेशियो आपके पास था, है ना। और सर कुछ समय के बाद उसने जब टाइम कुछ होगा उसने कहा कि थ्री मोल ये ले लो बच्चों, और बोला थर्टी मोल ये ले। सबसे पहले सर हमें एल आर चेक करना है, एन टू के रिस्पेक्ट में थ्री अपॉन वन इजिकल टू थ्री, एच टू के लिए थर्टी अपॉन थ्री इजिकल टू टेन। तो एन टू क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत आसानी से कर दें आप लोग, समझ गए होंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत आए। ओके सर, अब देखो सर अमाउंट ऑफ एच टू कंज्यूम, कितना अमाउंट एच टू का कंज्यूम हो रहा है। तो सर एच टू का अमाउंट कंज्यूम हो रहा है तो क्या करो बताओ, कितना अमाउंट कंज्यूम हो रहा है। तो सर थ्री इंटू थ्री बाई वन, एक मोल से थ्री मोल हो रहा है तो थ्री से नाइन मोल होगा, तो थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई वन, तो नाइन मोल ऑफ एच टू कंज्यूम हो रहा है। तो लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा, नाइट्रोजन का बोले तो सर क्या करेंगे सर, तो भी टोटल हम 30 लेंगे सर। समझा नहीं क्या बोला सर, हमें नाइट्रोजन का निकालना होता अमाउंट लेफ्ट, तो सर हम लास्ट में जब माइनस करते तो 30 माइनस करते सर, 30 में से माइनस करते। लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा है नाइट्रोजन, फिर उस समय में ये वाला मोल नाइट्रोजन का ज्यादा होता ना, नाइट्रोजन का अमाउंट तो बचेगा ही नहीं, तो कहां से निकालेगा लेफ्ट अमाउंट। हाँ सर ओके ठीक है, इतना अमाउंट यहाँ पे लेफ्ट, तो सर प्रोडक्ट कितना बनेगा, सर एक मोल N2 से कितना बन रहा है, दो मोल बन रहा है, तो तीन मोल से कितना बनेगा, सिक्स। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के कुछ और आंसर आए हुए हैं तो वो बच्चा मुझे बोले बताएं और मैं उसको समझाता हूँ कैसे आए। आयुषी बहुत लेट में क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ सर, इजी था सर, बहुत आसान थे। यस सर ओके, अभी भी सारे बच्चों ने नहीं दिया है, देखो आंसर। और बच्चे क्यों नहीं कर पाए भाई, आ गया सर आंसर, सब बच्चों ने दिया नहीं आंसर, कन्वी ने भी दिया है बिल्कुल, वेरी गुड बेटा कन्वी पांचाल, ठीक वेरी गुड बच्चों, अच्छा परफॉर्मेंस है। अब सुनो एक काम करते हैं सर, एक क्वेश्चन नया करते हैं सर, अगर मास के रिस्पेक्ट में दिया जाता है तो क्या करना है, चलो इसको मिटा दो। यस सपोज कोई एक रिएक्शन दे देता है एन टू प्लस अब कुछ समय टी के बाद आपको बोलता है 10 ग्राम ये 30 ग्राम ये से आपको बोलता है कि एल आर निकालिए, जो जो पहली इक्वेशन में बोला,
तो टाइम जीरो जब था तो आपको पता है कि सर इसका वेट कितना होता है, 28 ग्राम होगा। इसका yes. कितना होगा, 6 ग्राम होगा। यस सर। इसका कितना होगा, 17 ग्राम, 2×17 ग्राम का, ठीक है ना। तो सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक ही कंडीशन है सर, एल आर वही मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल निकालो रे बच्चों इसका, तो मोल कितना आएगा, पहले मोल ऑफ एन टू कितना आएगा, 10/28 0.35, मोल ऑफ एच टू 30/6 0.35 एंड 6 सर। ये 5 आएगा। तो एल आर क्या है इसमें, ये एन टू आपका क्या होगा, N2. देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, कितना अमाउंट कंज्यूम है ना। देखो बच्चों, इसका 28 ग्राम और इसका 6 ग्राम बराबर है, तो हाइड्रोजन का कितना अमाउंट कंज्यूम होगा, अगर मैं 10 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ तो क्या करूंगा, ये इंटू ये सर, नाइट्रोजन होगा ना सर, हाइड्रोजन कैसे, अरे यार नाइट्रोजन क्यों होगा, अमाउंट तो इसका ज्यादा नहीं है, एलआर तो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ये हर सेकंड में कैसे कंफ्यूजन हो जाता रे। अरे ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। हाँ सर, ओके ओके। यार समझ में नहीं आता ये क्या है, हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो कितना आएगा बच्चों, ये 60 डिवाइडेड बाय क्या बोलोगे, 28 सर, 2.14 ग्राम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कितना हो रहा है, तो अमाउंट लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा, 27.86 30 - 2.1 क्या बोला बेटा, 27.86 इतना बच जाएगा। सोच आए रे, सबको समझ में है या खाली मजाक चल रहा है? नहीं सर, ऐसा मत। हाँ सर, इसका देखो अब सर, ये कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, देखो 2×17 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा, एक मोल से दो मोल बन रहा है ना, 12.14 तो ये कितना आ रहा है, 12.14 ग्राम। यस सर। ये ले लो भाई, किसी को अगर डाउट आया है तो पूछ लो बच्चों, अगर किसी को कोई बात कहनी है, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछिए और बताइए कि सर इसको दोबारा समझाओ क्या करें। सर जी, सर क्वेश्चन में दिया होगा कि ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक है और ये अमाउंट मेन मोल्स है। बच्चों स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है उसके आगे जो है, जो टर्म है ना, स्टोइकोमेट्री तो ये है ऑलरेडी, उसी से ये थोड़ा ना दिया रहेगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन कैसे लिख के देगा, मैं उसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, For a reaction, N2+3H2=2NS3. When 5 mole of N2 react with 10 mole of H2. ठीक है ना? Then calculate the
एल आर लेफ्ट अमाउंट किसका बचेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, या प्रोडक्ट कितना बनेगा ऐसा देगा आपको। तो ये फाइव मोल ये गिवन मोल हो गए ना, तो स्टोइकियोमेट्री तो यहीं से पता लग रही ना ये। हाँ सर पता चलिए। हाँ तो क्वेश्चन में तो आसान तरीके से देगा भाई, क्वेश्चन और भी आसान तरीके से देगा। चलो कर लोगे क्या मास वाला भी? सर ये हाइड्रोजन का भी पहले दे सकता है ना सर? किसी का भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। जैसे तो हम नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन का लिख दे तो फिर सर हमारा आंसर गलत हो जाएगा ना? नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन मतलब? नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन क्यों देगा वो? ऐसे अगर उसने लिखा है पांच मोल ऑफ एन टू तो एन टू की जगह पे क्या लेगा? पांच ही मोल तो लेगा, और हाइड्रोजन दिया उसने कितना? 10 मोल। हाँ सर ओके। तो बस अब ये रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ेगी। ये तो गिवन मोल हो गया, स्टोइकियोमेट्री वन मोल है और इसकी थ्री मोल है स्टोइकियोमेट्री। यस सर। बस अब बताओ बच्चों। यस तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। यस सर। सर इतना ही है? अब आपका बस थोड़ा सा बचा हुआ है, कल मैं हो सकता है अगर क्लास लगेगी तो थोड़ा पढ़ाएंगे, देखेंगे जैसा। नहीं सर कल तो नहीं होगी, विश्वजीत सर ने ना बोल दिया। सैटरडे को नहीं होती क्या क्लास? अभी के लिए ना बोला है सर। मंडे को पढ़ेंगे ठीक है ना? चलो फिर हो गया बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं दूसरा क्लास लाऊंगा तो उसके लिए अभी मटेरियल कम से कम आपके पास बचा हुआ है 45 से 50 मिनट। तो अगर मैं अभी अगर जो अभी समय बचा है ये पढ़ा देता हूँ तो 20 मिनट का अगले दिन का क्लास रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो दूसरी क्लास के लिए थोड़ा बहुत कुछ स्पेस बचा रहेगा हमारे पास, ठीक है ना? कुछ चीजें बची रहेंगी। हाँ सर ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपको। ओके सर ठीक है ना बेटा? बाय सर। बाय बाय सर। किसी को कुछ कहना है? बाय बाय सर। नो 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 सर। बाय सर। बाय सर। ओके किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलिए। नो सर। चलो फिर ठीक। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बच्चों। बाय सर। ओके ओके।